हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं टॉक विद पुनीत यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी नई भर्ती 2020 के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की पदों पर भर्ती का, जिसके अंदर टोटल पदों की संख्या है 712। और आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2020 है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको दूंगा सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ताकि आप समझ सके इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले टॉक विद पुनीत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टारगेट में रखता हूँ 2000 लाइक्स का। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इसका बेसिक डिटेल और उसके बाद देखेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया इस वैकेंसी को और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। तो टॉक विद पुनीत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड, फॉर्म भरने की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 से हो चुकी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2020 होगी और लास्ट डेट पेमेंट करने की भी 27 जनवरी 2020 होगी। लास्ट डेट तक आपको फ़ी पेमेंट कर लेना है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख फाइनल सबमिशन का जो होगा वो 30 जनवरी 2020 तक आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, तो जब ये आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए टॉक विद पुनीत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 225 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, वहीं एससी एसटी के लिए 105 रुपये का, और फिजिकल हैंडीकैप को 25 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI चालान का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन है इसका उत्तर प्रदेश और एज लिमिट निर्धारित की हुई है 21 से 40 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट का एज में रिलेक्शन दिया हुआ है, जो कि SC और ST के लिए 40 साल है और OBC के लिए 38 साल है। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे 712 वैकेंसी है। और बात करें अगर हम नंबर ऑफ डिटेल्स की वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल की है, एग्रीकल्चर की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ डिपार्टमेंट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके ट्रेड वाइज, तो यहाँ पे देख ले सिविल के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए, फिर एग्रीकल्चर के लिए, फिर मैकेनिकल, सिविल और इसमें देखिए मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, ठीक है। और विभिन्न विभागों में पोस्ट है और टोटल वैकेंसी आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और वाटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। फ्रेंड, टोटल वैकेंसी 712 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन विभागों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर फैक्ट्रीज़ के लिए भी है, बॉयलर्स के लिए भी है, वाटर के लिए है, और टोटल हमारे पास 712 वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,600 से लेकर के 39,100 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी पर मंथ, और इसमें कुछ ग्रेड पे भी आपको ऐड करके मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है, तो अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे देखिए 2 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे BE BTECH के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी ट्रेड के लिए मांगा हुआ, यानी कि उस ट्रेड में अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करते हो, सिविल में आपका BE BTECH होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका मेन सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सारी जानकारी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जा करके आपको 27 जनवरी 2020 से पहले पहले अप्लाई कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ डिक्लेरेशन और इसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके मार्कशीट वगैरह हैं, वो सारे आपको अटैच करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना है अच्छे से फ्रेंड्स। वहीं बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपके रिटर्न एग्जाम और आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं UPPSC के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ताकि आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट के लिए जारी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए इस रिक्वायरमेंट को जारी किया जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसे जारी किया गया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था फ्रेंड्स। अगर वहीं अगर हम बात करें इसके डिटेल्स की, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो चुका है 30 दिसंबर 2019 से, और 27 जनवरी इसकी आखिरी डेट होगी फी पेमेंट करने के भी और फॉर्म को भरने के भी। और आखिरी सबमिशन जो आप करें, लास्ट सबमिशन जो करने की डेट है, वो आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है सबमिशन करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको इसके फीस के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस की डिटेल्स, जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको जो फी पे करना होगा 225 रुपये आपको करना है जनरल इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए, और वहीं एससी एसटी के लिए 125 रुपये का पे करना होगा इसमें आपको, और हैंडीकैप के लिए आप देख सकते हैं 25 रुपये आपका फी पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे 105 रुपये का आवेदन करना पड़ेगा फीस का। नीचे आए और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको सारी गाइडलाइंस वगैरह बताई हुई है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो आप इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद इसके अंदर आपको पूरी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी किस डिपार्टमेंट में और कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए इग्रीगेशन डिपार्टमेंट में भी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी दी है, सिविल की 171 वैकेंसी और आप मैकेनिकल की 73 वैकेंसी दी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज को इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये वैकेंसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और उसके बाद एग्रीकल्चर वालों के लिए भी इसमें दिया हुआ है, देखिए यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक। इस तरीके से 692 वैकेंसी है और कुछ वैकेंसी इसमें और भी ऐड की हुई हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिले 20 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को, जो कि वाटर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जारी किया हुआ है। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 712 वैकेंसी हो जाती है फ्रेंड्स यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर। वहीं अगर हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे देखिए 15,600 से लेकर के 39,100 तक की आपको पे स्केल मिलेगी और 5400 रुपये इसमें ग्रेड पे आपको मिलेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे ये भी जानकारी दी हुई है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो कितना आपको क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हर पोस्ट के लिए आपको बीटेक मांगा हुआ है रिवेलेंट ट्रेड में, यानी कि अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका सिविल में बीटेक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। साथ ही उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, तो नीचे आपको कुछ टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 40 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है 21 से 40 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको कुछ सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी नीचे, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपको जो फोटो का साइज होना चाहिए वो आप देख लीजिए, 3.5 विड्थ में और 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट में होना चाहिए और सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको पेपर यानी कि जो आपका सिलेबस हो क्या होगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस आएगा एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर ट्रेड के लिए देखने को मिल जाएगा आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी बताया हुआ है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका क्या सिलेबस होगा, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। साथ ही सिविल इंजीनियरिंग का दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए सर्वे एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दिया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको पूरा ही सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे, उस पोस्ट का सिलेबस, कितना सैलरी मिलेगा, वो सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीएससी जो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अगेंस्ट जो जारी किया गया था सिविल असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट के लिए, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई नाउ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।